कक्षा 6 की गणित में हम लोग कोण वाले अध्याय का शुरुआत किए थे। कोणों के विषय में हमने जाना, कोण क्या है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, उनका हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। चांदे की सहायता से कोणों को बनाना भी हम पिछले दिनों सीख चुके हैं। आज आइए हम उसी कोण के आगे कुछ बढ़ते हैं। कुछ हमको एक नई नई चीज़ें दिखती हैं जो हम अपने पिछली प्राइमरी की कक्षाओं में नहीं पढ़ के आए होंगे, ये हमको प्राइमरी कक्षाओं में नहीं बताया गया होगा। वो चीज़ है आसन्न कोण। आसन्न कोण पहला इसमें आ रहा है, आसन्न कोण। यहाँ से ध्यान से देखना है आसन्न कोण क्या है। ध्यान से देखो, जब किसी एक निश्चित बिंदु से ही एक किरण इधर जा रही है, दूसरी किरण यहाँ गई, तो दो किरणों के मेल को से बना हुआ ये भाग जो है कोण कहलाता है, ये तो कोण कहलाता है। इसी स्थान पर अगर कोई तीसरी किरण भी गुजर रही हो, उसी स्थान पर, उसी आसन पर, आसन्न कहने का अर्थ है उसी आसन पर, तो ये तीसरी किरण के गुजरने से ये दो कोण अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, ये दो कोण अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से गुजरने के बाद दो कोण अलग अलग जो जो प्राप्त हो रहे हैं, ये दोनों कोण ही आसन्न कोण के नाम से जाने जाते हैं। अगर ये किरण ओ ए है, ये बी है, ये सी है, तो कोण ए ओ सी तथा कोण बी ओ सी, ये दोनों जो हैं हमारे आसन्न कोण के नाम से जाने जाते हैं। ये आसन्न कोण के इसी स्थान पर से अगर ये कोण बने हुए हैं तो ये आसन्न कोण के नाम से जाने जाते हैं। एक कोण यहाँ से यहाँ तक का हो गया, दूसरा कोण यहाँ से। प्यारे बच्चों, एक चीज और लिखने की तरीका बता दूं आपको, जो इस प्रकार के चिन्ह बने हैं कोण के चिन्ह कहलाते हैं। हम इन्हें ऐसे नहीं लिखते, इनको कोण ए ओ सी नहीं लिखते हैं, ये लिखने का तरीका नहीं, बल्कि इस कोण के जगह पर कोण का सिंबल लगाया जाता है, संकेत लगाया जाता है। और कोण ए ओ सी, ध्यान से देखो, ए ओ सी और बी ओ सी, जब हम बी ओ सी कहेंगे तो इसी ओ के लिए ही बात करेंगे, इस बीच वाले ही कोण की बात करेंगे, लेकिन ये केवल इतने की बात हम कर रहे हैं तो बी ओ सी कह रहे हैं, और इतने की बात कर रहे हैं तो ए ओ सी कह रहे हैं। ए ओ सी और बी ओ सी, यहाँ पर ये आसन्न कोण के नाम से जाने जाते हैं। अब तो मुझे उम्मीद है आप आसन्न कोण के विषय में जान गए होंगे। अब आ जाइए इन रैखिक युग्म को क्या कहते, कैसे जाना जाता भाई। एक सरल रेखा पर कोई एक बिंदु ले लीजिए, एक सरल रेखा पर एक बिंदु ले लीजिए, और एक इस बिंदु पर कोई एक किरण आगे की ओर खींचिए, एक रेखा खींच दीजिए। मान लीजिए यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह ओ है। ध्यान देखिए, ये कोण, एक कोण बन रहा है कोण ए ओ सी बन रहा है, दूसरा कोण कौन सा बन रहा है भैया, ये बन रहा है बी ओ सी, कोण बी ओ सी बन रहा है, ये कोण ये बन रहा है यहाँ वाला। तो ए ओ सी और बी ओ सी जो दोनों कोण बन रहे हैं एक ही आसन को, एक ही बिंदु से बन रहे हैं, तो इस प्रकार के जो एक सरल रेखा पर से जो दो कोण को दो भागों में बांटा जाता है, इन्हें कहलाता है रैखिक युग्म के नाम से जानते हैं। जहाँ इस तरह से दिखेगा आपको, ये रैखिक युग्म होगा, और रैखिक युग्म इन दोनों कोणों का योगफल जब 180 अंश होता है तो रैखिक युग्म कहलाता है। जब एक सरल रेखा पर इस प्रकार से जब कोण बनते हैं और इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता है, तो इसे हम, इस पूरे चित्र को हम रैखिक युग्म का नाम देते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये रैखिक युग्म रहा, ये आसन्न कोण था, ये रैखिक युग्म था। आइए अब हम इन दोनों चित्रों को मिटा देते हैं।
अब हम दो दो नई चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, एक दिख रहा है कोटिपूरक कोण और दूसरा दिख रहा है संपूरक कोण। दोनों को हम अलग अलग देखते हैं। कोटिपूरक कोण का अर्थ होता है जब 90 अंश के अंतर्गत 90 अंश के मध्य के कोणों को दो भागों में बांट लिया जाए और वे दो कोण जो बने और उन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश हो। सपोज करिए, मान लीजिए यह आपके 90 अंश के कोण बन गए हैं, समकोण बना है, ये 90 डिग्री का बना है, इसके बीच आपके जोड़े बन सकते हैं। सपोज करिए कि ये 60 अंश का हो गया और ये बच गया कितना आ गया 30 अंश का, 60 और 100 और 30 अंश ये मिलके 90 हो गए। हो सकता है कि ये दोनों भाग 45 अंश और 45 अंश के हों, ये भी 90 हो जाएंगे। हो सकता है एक 55 अंश हो जाए और एक 35 अंश हो जाए, ये भी आपके मिलके ही 90 अंश होता है। तो जब परिभाषा सुनिए इनकी, किताब से आप नोट कर लेना, किताब में आपकी परिभाषा दी गई है, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है तो उस कोण को हम लोग कोटिपूरक कोण कहते हैं। किताब में आपकी परिभाषा है प्यारे बच्चों, कोण के वाले चैप्टर में आप खोजोगे और लिखोगे कोटिपूरक कोण की परिभाषा, जब दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर हो जाता है तो उनके उन्हें हम कोटिपूरक कोण कहते हैं। अब इस पर प्रश्न आपको बनेंगे, आपको पूछा जाएगा 60 अंश का कोटिपूरक क्या होगा। तो 60 अंश का कोटिपूरक का अर्थ जब पूछा जाएगा आपसे तो आप ये जान लेना कि 60 अंश में क्या जोड़ोगे कि 90 हो जाए, 60 अंश में क्या जोड़ोगे कि 90 हो जाए। तो 60 में 90 को जोड़ने के लिए आप 90 में से 60 घटा देना और उत्तर 30 अंश आएगा, यही 30 अंश यहाँ जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार हम कहें कि 75 अंश का कोटिपूरक बताइए, तो 75 अंश का कोटिपूरक बताने के लिए 75 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए। अब आप क्या करोगे, 90 में से 75 घटा लेना, 5 हो गया, 8 में से 7 गया 1 हो गया, 15 अंश हो गया। 75 अंश का कोटिपूरक 15 हो गया, 60 अंश का कोटिपूरक 30 हो गया, 45 अंश का कोटिपूरक 45 हो जाएगा। इस प्रकार से आप परिभाषा याद रखो कि जब दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर होता है तो वह कोटिपूरक कहलाता है। अब आ जाइए, हम कोटिपूरक को भी खत्म करते हैं। अब आपको बच गई है संपूरक कोण के विषय में अध्ययन करना है। संपूरक कोण क्या है ये देखिए, संपूरक कोण ये वाला पार्ट है, इसमें ए पूरा पूरा अगर ये कोण बना हुआ है तो कितने का बना है, 180 अंश के कोण है। इनमें कहीं से कोई पार्ट हो सकता है, कहीं से कोई रैखिक युग्म बनाया जा सकता है, ये 90 से 90 भी होगा, 120 से 60 भी होगा, होगा ना, 130 से 50 भी होगा तमाम। तो आप ये जान लो वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर होता है वो सभी संपूरक कोण कहलाते हैं। इस प्रकार से जोड़े बनेंगे, तो इनकी परिभाषा जब हम लिखेंगे, वह कोण जिनका योगफल, वे दो कोण जिनका योगफल 180 अंश के बराबर हो संपूरक कोण कहलाता है। अब हमको अगर मान लीजिए पूछा जा रहा है, कोई सर पूछ रहे हैं आपसे कि 120 अंश का संपूरक बताइए, तब आप क्या जानोगे 120 अंश में हम कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए। आप सबको पता है 180 में से आप 120 को घटा दोगे, जो आएगा वो यहाँ हो जाएगा इसका संपूरक। हम कह लें भाई 140 अंश का संपूरक हमको बता दो, 140 अंश का संपूरक, 140 अंश का संपूरक बताने के लिए 180 में से 140 घटा देंगे, जो आएगा वही उसका संपूरक कहलाएगा। इस प्रकार से ही हम लोगों ने आज सीख लिया आसन्न कोण, रैखिक युग्म, कोटिपूरक कोण और संपूरक कोण। प्यारे बच्चों, इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे,
इसको लिखेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न भी इसी तरह के होंगे जैसे मैं बताया हूँ, आप इन्हें लगाएंगे। शेष इसके आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।